हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे और 8 बजे दो अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन है जो कि होते हैं। तो आज सुबह के 5 बजे जो है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 8th of July का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ओके गाइस, तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने आपसे वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में पूछा था। तो ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, वर्ल्ड जूनोसिस। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होते हैं दोस्तों जो कि एनिमल से इंसान में जो है देखने को मिलते हैं। ओके, जो कि ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिशन होता है जिन डिजीज का एनिमल से ह्यूमन के अंदर, उनको कहते हैं। और पहली ऐसी वैक्सीन जो बनाई गई थी वो लुइस पाश्चर के द्वारा बनाई गई थी, किसकी, रेबीज की, जो कि एक जूनोटिक डिजीज है। ओके, तो उसी को दोस्तों याद करते हुए इस दिवस की शुरुआत जो कि करी गई थी। फर्स्ट एवर वैक्सीन के क्रिएटर को ये उनके रिमेम्बर करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई। अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अन अकेडमी के ऊपर BHU10 है जो कि रेफरल कोड लगा सकते हैं। अगर आप BHU10 लगाते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, या फिर आप भुनेश 10 भी यूज कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC। और अगर आप GK अगर आपको पढ़नी है तो फाउंडेशन बैच में पढ़ सकते हैं। ओके, जहाँ पे मैं हिस्ट्री से शुरुआत है जो कि मैंने करी है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 ईयर का फ्री भी मिलेगा। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है ऐप में, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको 30+ एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। इसमें UPSC आपका, गेट है, IIT है, नीट है, CDS है, सारे एग्ज़ाम है इसके अंदर। तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 महीने, और नीचे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ये लगाते हैं आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। चलिए, पहला सवाल है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर निम्नलिखित में से किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। 3 दिवसीय, 3 डे की ऑफिशियल विजिट के ऊपर अभी जयशंकर साहब गए हुए हैं। कहाँ पे, रशिया है जो कि ये गए हुए हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। 3 दिन के ऑफिशियल विजिट के ऊपर है, वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से ये मिलने वाले हैं, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। ओके, रशिया की बात करें, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे अभी हेड है, प्रेसिडेंट है, मॉस्को कैपिटल है, और रूबल यहाँ पे करेंसी चलती है। चलिए देख सकते हैं, पूरा का पूरा रशिया है, मॉस्को कैपिटल है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 14 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। और सबसे पहले रशिया ने ही डिस्कवर किया था अंटार्कटिका के बारे में 1820 के अंदर। 1914 के अंदर रशियन ऑस्ट्रेलियन राइवलरी जो है वो बाल्कन में हुई और वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिली। 1961 के अंदर यूरी गैगरिन दोस्तों फर्स्ट पर्सन थे जो कि अर्थ ऑर्बिट में गए, वो भी रशियन ही थे। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस रेलवे भी यहीं पर ही है। ठीक है गाइस, सबसे कोल्डेस्ट सिटी भी यहीं पर ही है, और दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है जिसकी 14 बाउंड्रीज है जो कि देखने को मिलती है। विदेश मंत्रालय के साथ समझौते में CII द्वारा इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट की बात करें तो कौन सा संस्करण है, ये 10वां, ये आपका फर्स्ट समिट है जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया है, इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट। ओके, फर्स्ट समिट है जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। CII की शुरुआत हुई थी 1895 के अंदर। ओके, इन 1895 के अंदर, और चटर्जी साहब है जो कि, चंद्रजीत साहब है जो कि अभी इसके डायरेक्टर जनरल है। टीवी नरेंद्रन आपके प्रेसिडेंट है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 74वें कान फिल्म समारोह में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है आपके प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, जो कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्री है। इंडियन पवेलियन जो है 74 कैंस फिल्म फेस्टिवल में इसकी शुरुआत जो की करी गई। ओके, न्याय विभाग ने हाल ही में अपने टेली लॉ कार्यक्रम के तहत कितने लाभार्थियों को पार करने का मील का पत्थर पाया है। माइलस्टोन ऑफ क्रॉसिंग हाउ मेनी बेनिफिशरीज अंडर द टेली लॉ प्रोग्राम रिसेंटली। यहाँ पे बोला गया है कि 9 लाख, नियर बाय 1 मिलियन के आसपास लोग हैं जो इनको पूरी तरीके से मदद है जो कि यहाँ पे मिली है। ओके गाइस, ठीक है, तो 9 लाख बेनिफिशरीज है जो कि इन्होंने टेली में लॉ मेडिसिन प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया था, टेली लॉ प्रोग्राम के तहत, है ना। ठीक है, इसके अंदर टेली लॉ प्रोग्राम में जो है देश के मेजरली राज्य इसके अंदर कवर है, जहाँ पे लोगों को लीगल एडवाइस जो कि दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन खाली प्राकृत पेंट का ब्रांड एम्बेसडर है जो कि बन गया है। खादी प्राकृत पेंट का
पेंट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ये आपके नितिन गडकरी जी दोस्तों खुद ही है जो कि ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ओके, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्री है, ब्रांड एम्बेसडर है खादी प्रतिनायक पेंट के। तो इस पेंट को जो है प्रमोट किया जा रहा है यंग एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, ताकि काउ डक से बना के इसको काम में लिया जा सके, है ना। तो बहुत ही सस्टेनेबल सोल्यूशन है जो कि इसको बताया जा रहा है। रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट जो चर्चा में डैश में स्थित है, रामपाल मैत्री पावर प्रोजेक्ट, आंसर बताइए क्या होगा? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इस तो मैत्री पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर भी है, रामपाल में बांग्लादेश में फर्स्ट यूनिट है जो कि यहाँ पे सेटअप करी गई। ठीक है गाइस, 1300 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर, ढाका कैपिटल, टाका करेंसी है। ये आप देख सकते हैं पूरा बांग्लादेश का मैप है। मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट यहाँ पे क्रिकेट की है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर यहाँ पे लेदर गुड्स का। बांग्लादेश जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टी इंडस्ट्री दोस्तों आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, और मैंग्रोव तो आपको मालूम ही है सुंदरबन। तो हाल ही में असम के कितने जिलों को कुल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है? कंटेनमेंट जोन है दोस्तों जो कि बनाया गया आसाम के अंदर, और ये B7 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट ने दोस्तों नए डायरेक्टरेट है जो कि बोला है, डायरेक्टिव है जो कि रिलीज कर रहे हैं, जिसमें कई सारे राज्यों में बच्चों की हेल्प भी करी जा रही है। जगदीश जी गवर्नर है, हेमंत बिस्वा जी अभी CM बने, दिसपुर कैपिटल है, और आपको मालूम ही है 126 विधानसभा, 14 लोकसभा, 7 राज्यसभा की सीटें हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। कामाख्या टेम्पल ये सब यहाँ पे काफ़ी फेमस है, सुबानसिरी, दी हैंग, बिहू डांस है ना, बोरतल डांस है, झूमर डांस है, नेशनल पार्क सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के नए कुलपति के रूप में किसे नामित किया गया है? महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस किसने लॉन्च किया है? माधुरी कानेटकर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। न्यू वाइस चांसलर है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की, उनके टैलेंट को यूज करने को लेकर बोला जा रहा है। ठीक है, इस 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, 65 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ये इनका टेन्योर है जो कि आपका हो सकता है। महाराष्ट्र की बात करें, भगत सिंह जी गवर्नर है, उद्धव उद्धव जी यहाँ पे CM है, कैपिटल मुंबई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टोक्यो जाने वाले अपने 5 एथलीटों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा करी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने करी है? ये आपके तमिलनाडु ने करी है दोस्तों, कि स्पोर्ट्समैन आगे आइए और अपना परफॉर्मेंस दीजिए, अगर पार्टिसिपेट भी अगर आप कर रहे हैं तो भी टॉप 3 के अंदर है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के द्वारा अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है। ठीक है, इस आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप। तमिलनाडु की बात करें, 80% लिटरेसी, 996 सक्सेस है, 235 विधानसभा, 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा और 39 लोकसभा की सीटें देखने को मिलती है। मीनाक्षी टेम्पल, रंगन स्वामीनाथी टेम्पल, विदेशी टेम्पल, ये सारे टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे। कश्मीर घाटी में मिश्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट डैश को निर्यात किया गया है। तो एक मिश्री आती है वेराइटी ऑफ चेरीज, कश्मीर वैली से दोस्तों कहाँ पर है? दुबई के अंदर है जो कि इसको एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 8वीं बार ICC महिला ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 20 साल हो गए इन प्लेयर को खेलते हुए और अभी भी खेल रही है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और मिताली राज दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर है जो कि बन चुकी है। ओके, नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर भी आ चुकी है, ये भी बड़ी बात है, नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर भी आ सकती है, मतलब आ गई है ऑलरेडी। ठीक है, 3 सक्सेसिव हाफ सेंचुरीज है जो कि उन्होंने बनाए और अभी यहाँ पे नंबर 1 के अंदर पहुंच गई है, तो ये फेवरेट है जो कि होगी ओलंपिक के अंदर। ठीक है, ओलंपिक तो खैर कहाँ से बात करें, ओलंपिक तो खैर क्रिकेट शामिल हो जाए तो हमारा काम हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। हाल ही में मछली किसानों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? ये जो लॉन्च करी गई है ना, ये किसके द्वारा? गिरिराज सिंह जी के द्वारा करी गई है। ठीक है, तो बी आपका सही आंसर होगा, यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने मोबाइल ऐप है जो कि मित्र सेतु जो लॉन्च करी है, ध्यान रखिए। चलिए, रिचर्ड डोनर जिनका 91 की आयु में निधन हो गया वह कौन थे? तो रिचर्ड डोनर दोस्तों कौन थे? बहुत ही फेमस डायरेक्टर है जो कि हुआ करते थे। ओके गाइस, रिचर्ड डोमर जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई है, बहुत सारी कॉमिक बुक और टेलीविजन सिनेमा के अंदर इन्होंने काम किया है, बहुत सारे सुपरस्टार्स भी इनके द्वारा डायरेक्ट करे गए हैं। ठीक है, चलिए,
इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप BHU 10 या बुनेस 10 डाल के आप अपना 10% ऑफ लेके किसी भी टॉप एजुकेटर से किसी भी क्लास के अंदर पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, फिर यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करिए, जो भी आपका गोल है। 30+ एग्जाम में से के लिए आपको प्लस में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम के लिए। गैर सब्सक्रिप्शन पे ले लीजिए और 12 या 24 महीने की कोशिश करिए ताकि एक बच्चे को मंथली है तक कॉस्ट ऑफ पिज्जा है जो कि आप पढ़ा सकें, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन का डे। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में कितनी बड़ी और औद्योगिक परियोजना को मंजूरी दी है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे वापस से 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।